हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी खंडेरिया ऐप पर। और आज हम करने वाले हैं नाजो टॉपिक और अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा प्रोडक्ट जो रियलमी कंपनी है लेकिन रियलमी के अंडर में नाजो कंपनी है। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और ये सब प्रोडक्ट को करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। One hour later. आज हम कर रहे हैं शूट और ये हमारा कैमरा और ये हमारा JBL का हेडफोन जिसमें हम शूट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के हम शूट कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ मैं शूट कैसे करता हूँ और बाकी सब चीज़ें। ये है हमारे रिहर्सल की प्रैक्टिस जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा अटक गया था, वो तो मुझे भी पता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे के सामने कुछ बोला है और ये तो ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट है। ये भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है और कुछ ऐसा पैसे बढ़ नहीं गए। तो ये स्टूडियो हमको मिला है और कैमरा और फोन मिला है तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं पूरा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करना। और ऐसे ही हम वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे करना चाहिए और एक दो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। तो चलते हैं और करते हैं, हम जो भी काम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गो। अभी हमारे जीतू भाई लेने गए कुछ सामान और कुछ रेफरेंस ले रहे हैं और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं हम नाजो 50 की। और ये दूसरे का मोबाइल है और कैमरा भी दूसरे का है, सेटअप भी दूसरे का है। यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स है और वो सब कुछ है। तो ये वीडियो में आपने पहले देखा होगा, हम मार्केट में मींस के गए थे एग्जीबिशन में, वो मेरी मोम में रखा था तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। तू स्टार्ट ही नहीं करता। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। One hour later. एक सीन तो शूट हो चुका है, वो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर एडिटिंग कर किया हुआ। और अब हम जा रहे हैं टेरिस पे और टेरिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ शूट करने लायक है या नहीं। लेट्स गो। तो गाइस सब कर रहे हैं हमारा सेटअप और शूट होगा हमारा। तो लेट्स गो। ये हमारा शूट। Yeah, let's go. I don't wanna break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to. आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद हर एक इंडियन का दिल दहल गया।
कल रात को एक बहुत ही बड़े राखी के एक बहुत बड़े फैक्ट्री के अंदर और एक बहुत बड़े गोडाउन के अंदर बहुत ही भीषण आग लगी, जिसके अंदर